Vlog with Dal Chawal recipe. अस्सलाम वालेकुम, कैसे YouTube फैमिली, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो ये देखिए अपने प्यारे प्यारे रेड रेड फूल। सुबह सुबह हम निकले हुए वॉक करने और साथ था मेरे बेटे का प्रैक्टिकल। मैंने कहा आपको जाते हुए रास्ता दिखा दूँ। ये देखिए ज़रा खौफनाक रास्ता। हाँ, एडी खतरनाक जगह तो सी लग रही है ना, दसना नहीं, इन्ना खौफ आंदा। अस्तक फर पड़ी जाओ तो गुजर जाओ। छोटी सी झलक मॉर्निंग वॉक की और मेरे बेटे के पेपर कर दी। तो हम आ गए हैं घर, हमने तैयारी शुरू कर दी है शाम के खाने की। तो ये है चनों की दाल एक पाव, उसको मैंने अच्छे से स्टोन पत्थर निकाल के साफ करके पानी डाल दिया, एक टमाटर काट के डाल दिया, लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया एक चम्मच, और एक बड़े साइज़ का प्याज काट के इसमें मैंने डाल देना है। प्याज डालने के बाद इसमें मैंने डाला है एक टीस्पून भर के नमक। आप नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक टीस्पून भर के इसमें रेड मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा चुटकी गरम मसाला टेस्ट के लिए। मेरे बड़े कहते होते थे कि ना थोड़ा सा गरम मसाला हांडी में पहले डालने से ना उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और एक टीस्पून भर के मैंने सूखा धनिया पाउडर डाल दिया, साबुत मसाले डाल दिए, एक सब्ज़ मिर्च डाल दी, और मैंने ऊपर इसको लगा दिया टनकना, इसका कर दिया मुंह बंद। तो प्रेशर बोल रहा है, चीखे मारा है, बेचारी सीटी बोल रही है। तो 10 से 12 मिनट हम प्रेशर, जब सीटी बोलेगी ना तो 10 से 12 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ तैयारी चावलों की। दो गिलास चावलों के हैं और तीन गिलास मैंने पानी के डाले हैं, और दो बड़े चम्मच भर के इसमें ऑयल डाला है, और दो चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिए हैं। तो पानी का बॉयल आ गया था, फिर मैंने इसमें डाल दिए चावल, और इसमें मैंने डाला सिरका। सिरके से चावल खिले हुए रोशन चमकदार बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं। तो पानी हमने खुशक करना है, फिर इसको लगाना है 15 मिनट दम। दम कैसे लगाना है, हल्की आंच करनी है, तवा रखना है, पहले चूल्हा तेज़ कर लें, तवा गर्म हो जाएगा। तो हाँ, आँच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है, हल्की आँच पर आपने 15 मिनट दम पर रखना है। तो ये देखे पानी सूख गया, अब मैंने रखना है तवा चूल्हे के ऊपर। तवा इसलिए क्योंकि नीचे चावल ना लग जाए, डायरेक्ट आग लगती है ना पतीले को तो चावल नीचे लग जाते। तो चावलों को मैंने रख दिया दम पे। तो मैंने एक लहसुन का जवा काट के लंबाई में डाल लिया, छनी मेरे पास टी स्टील की बाउल जिसे कहते हैं, और उसमें मैंने डाला देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, ऑयल डालें, डालडा घी डालें, आपका जो दिल जो है आपके पास डालें, तो ज़िंदगी को करे आसान। और दाल हमारी पक चुकी है बिल्कुल तैयार, चावलों पे डालनी है इसलिए मैंने थोड़ी सी पतली रखी है। तो तड़का हमारा तैयार होगा, तो इसको हम लगाएंगे तड़का। यह है कसूरी मेथी, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दी है, और गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें आधा टीस्पून डाला है। और इधर देखो ये लहसुन बेचारा तड़फने फड़कने लग गया था, तो हमने लगा दिया है तड़का। घी लगा होता है जिसमें तड़का लगाते हैं, तो उसमें थोड़ी दाल डालें अच्छे से, रख माँख पर आके उसको पोंबलियाँ दुआ के ना चक्कर चुक्कर दुआ के उसको वापस डाल दें कि चल भाई वापस अपने रिश्तेदारों के नाल, बेहतर उसी वक्रा नहीं करना। तो इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और देखेंगे चावल हमारे तैयार हुए कि नहीं। तो ये मज़ेदार चनों की तड़के वाली दाल तैयार है, आप भी बनाइएगा ज़रूर, देसी हमारे पाकिस्तानी खाने, आजकल तो बाहर भी खाए जाते हैं। तो मशहूर दाल चावल हमारे बेस्ट, मज़े के, हर कोई टूट पड़े। तो चावलों को आ गया है दम, ये देखें अच्छे से खिले खिले चावल, 15 मिनट मैंने दिया है इसको दम हल्की आंच पे। तो बहुत आराम से हल्के आंच पे आपने इनको मिक्स करना, चाहते चावल टूट ना जाए। ये देखें दाना दाना चावल बने हैं, उफ़ क्या खुशबू आ रही है, मुँह में पानी भी आ रहा है। अभी हम जल्दी से इसको खा जाएँगे, ठूस लेंगे, क्योंकि जब भूख लगी होती है ना तो बंदा ठूसता ही है। तो हमने अब करना है डिश आउट। मैंने कहा आपको प्लेट बना के एक दिखा दूँ। चावल डाले ऊपर, मैंने डोल दी इसके दाल डोलने के बाद मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए, मेकअप कर दिया प्याज़ों का, और साथ इसके रख दूँगी मैं थोड़ा सा अचार।
आ रहा है ना मुँह में पानी। तो हमारे मज़ेदार दाल चावल तैयार हैं, बहुत ही लजीज, खुशबूदार, टेस्टी। बस फटाफट यूं पे टूट पड़ो, जैसे वो आपने किसी से अल्लाह ना करे लड़े झगड़े लड़ना हो ना, गुस्सा चढ़ा हो उस पर टूट पड़ते हैं, पकड़ लो पकड़ लो, इस तरह जल्दी से टूट पड़े, कोई और ना आके इस प्लेट पे टूट पड़े। तो मेरी खूबसूरत सी प्लेट तैयार है, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। गली में बच्चे खेल रहे हैं, वो बेचारा मोटू सा था, वो गिर पड़ा, जैसे बोले ना वो भी बॉल की तरह घूम फिर रहा था। उसके बाद मैं छत से वीडियो बना रही थी, बच्चे खेल रहे थे, और ये खूबसूरत सा आसमान मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। खूबसूरत नज़ारे, क्या कलर कॉम्बिनेशन है ना गर्मियों वाले कपड़ों का, जैसे हम लाइट से कलर बहुत ही प्यारे आँखों को ठंडक देने वाले ढूंढते ना, ये वैसा ही बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा था, आँखों को ठंडक देने वाला था। मैंने कहा आपको भी नज़ारे कराऊँ, आपकी भी आँखें ठंडी ठंडी हो जाए। और साथ हो गई है मगरिब, वो था असर का टाइम, मैंने कहा आपको मगरिब का चाँद दिखाऊँ, और ये है हमारा रात का चांद। और अच्छा ये चांद ना रेड था, नहीं तो अमूमन वाइट होता है। ज़रा ये भी तबाह होगा को मुझे पूछता ही नहीं है, तो मैंने कहा इतना राज ना हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ लोगों को, सब तुम इन्जॉय करेंगे देख के। तो ये हमारी, ये मेरी स्नैप स्ट्रीक, और ये खूबसूरत से नज़ारे। और ये हम उस दिन बाज़ार गए थे, वहाँ से लिया जूता, और ख़ास चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी, यह देखो जी जानवरों का पासपोर्ट बनेगा, कैसी गल है ना, हमें और दुनिया में क्या कह रहा है देखना। इंसानों के तो बनते थे, जानवरों को भी पासपोर्ट बनेंगे। तो ये फूल बाहर जो हमने सुबह वॉक की थी, और फिर मिलेंगे किसी नए रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया करें, दुआ में याद रखा करें। तो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।